नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। टुनाइट एट नाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। चुनावी साल में सत्ता और सियासत का खेल समझाने और देश दुनिया का पूरा हाल बताने के लिए हम फिर हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से, जहां 25 जुलाई को अगली सरकार चुनी जाएगी। उससे पहले आज नवाज शरीफ के परिवार और पार्टी को जोर का झटका लगा है। नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम को चुनाव से पहले ठीक पहले भ्रष्टाचार के एक मामले में सजा सुना दी गई है। नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उनकी बेटी मरियम नवाज को भी 7 साल की सजा हुई है। इस सजा के बाद नवाज की बेटी मरियम अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को यह सजा लंदन के एवियन फील्ड में 4 फ्लैट के मामले में मिली। पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने नवाज शरीफ और उनकी बेटी को सजा सुनाई। इसी मामले में नवाज शरीफ के दामाद सफदर को 1 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने सजा के अलावा शरीफ समेत उनकी बेटी और दामाद पर 8 मिलियन पाउंड का जुर्माना भी लगाया है। नवाज शरीफ और मरियम दोनों इस वक्त लंदन में हैं। अब पाकिस्तान में इस बात का सस्पेंस बना हुआ है कि क्या नवाज और मरियम वापस लौटेंगे। जानकारों का कहना है कि अगर नवाज और मरियम लौटते हैं तो पंजाब प्रोविंस में उनकी पार्टी को फायदा हो सकता है, वरना इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 25 जुलाई के चुनाव में फायदा होगा। वैसे भी ये माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई चुनाव में इमरान खान की मदद कर रहे हैं। वहीं कल पीएम मोदी राजस्थान की राजधानी जयपुर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहली बार जयपुर आ रहे हैं, लेकिन उनके जयपुर दौरे से पहले ही उनके खर्चीले कार्यक्रम को लेकर राजस्थान में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मोदी के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए लोगों को लाने पर ही वसुंधरा सरकार 7 करोड़ से ज्यादा रूपये खर्च कर रही है और इसके लिए बाकायदा आदेश जारी किया गया है। कल जयपुर में पीएम मोदी सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मिलेंगे। कार्यक्रम में राज्य भर से 2.5 लाख लाभार्थियों को जयपुर लाने का टारगेट है। सभी जिलों के कलेक्टर्स को लाभार्थियों को जयपुर लाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए राजस्थान के सभी 33 जिलों से सरकार अपने खर्च पर लाभार्थियों को लाएगी। उनको लाने के लिए सभी जिलों में बसें भेजी जाएंगी। कुल 5,589 बसों से लोगों को मोदी के कार्यक्रम में लाया जाएगा। लोगों को जयपुर लाने के लिए बसों के किराए पर 7,22,53,000 रूपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी योजना के लाभार्थियों के खाने पीने रहने ठहरने की व्यवस्था अलग से की जा रही है। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने और कल के मोदी के कार्यक्रम को चुनावी मिशन के तौर पर देखा जा रहा है। उधर इस कार्यक्रम में हो रहे करोड़ों के खर्च पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, तो बीजेपी कह रही है कि जनता का पैसा है, जनता पर ही तो खर्च हो रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की ऐसा बताया कि जिसमें सत्ता केंद्र और राज्य में होते हुए इसको अगर रैली सफल नहीं कर पाती, 60,000 कर्मचारियों को लगाना, वो पैसे का करोड़ों रुपए का, जैसे बिहार का चारा घोटाला और यहाँ की ये रैली घोटाला सबसे बड़ा हिंदुस्तान में घोटाला होता है। अगर नेता पे पैसा खर्च हो सकता है, खिलाड़ी पे पैसा खर्च हो सकता है, फिल्म का कार के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है, तो वो इस सरकार को बनाने वाला जनता का पैसा जनता के लिए है और जनता के ऊपर भी खर्च नहीं किया जा सकता, तो फिर किसके ऊपर खर्च करेंगे। और बात अधिकारों की लड़ाई में उलझी दिल्ली की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद थी कि राजधानी में एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच की तल्खी खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ मामलों को लेकर हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2 दिन बाद सीएम केजरीवाल ने आज एलजी अनिल बैजल से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 25 मिनट चली। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी केजरीवाल के साथ यहां मौजूद थे। मुलाकात के बाद सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि सर्विसेज के मामले में एलजी सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने के लिए भी तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में ये शायद पहली बार होगा कि केंद्र सरकार खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानने से इनकार करे। अगर इस तरह से ये प्रेसिडेंट बन गया, अगर इस तरह से केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मानने से मना करने लगी, तो देश के अंदर अराजकता फैल जाएगी, एनार्की फैल जाएगी। ये बेहद गंभीर मामला है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली में स्कूल चलाने का, पानी और बिजली की व्यवस्था की जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की है, लेकिन इन कामों को करने के लिए वो अफसर तैयार नहीं है, वो अफसर तैनात नहीं कर सकती। ये काम एलजी के जरिए केंद्र सरकार करेगी और जो अफसर अच्छा काम करेगा उसका तबादला कर दिया जाएगा, ताकि दिल्ली में काम न हो सके और आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठे। तो इसका मतलब तो केंद्र सरकार तो अफसर अपॉइंट करेगी और काम हम करवाएंगे
और अगर कोई अफसर अच्छा काम करेगा तो उसको टाके निकम्मा लगा देंगे, इनको काम नहीं करने देंगे और हम खुलेआम सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानेंगे। ये बड़ी अजीब परिस्थिति है। तो मैं ये पूरा देश आज देख रहा है कि किस तरह से केंद्र सरकार खुलेआम कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे। इस बीच केजरीवाल ने इस मामले को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से दखल की मांग की और अपील की है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल के लिए पहल करें। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर केजरीवाल पर ड्रामेबाजी का आरोप लगाया। नहीं, देखिए मेरा ये कहना है ड्रामेबाजी उन्हें बंद करनी चाहिए और काम करना चाहिए। अब दिल्ली में जो है वो मैं शुरू से कहता हूं कि काम में जीरो और धरने में हीरो बने हुए हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि काम करें धरना कम करें, तो करने में जीरो हो गए और धरने में हीरो हैं। तो ये काम का बंद करके और जनता का कुछ करें धरें, तो अब ये तो हो चुका बहुत कुछ ड्रामेबाजी। वहीं यूपी के मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा खुद का शाही स्वागत करने के चक्कर में बुरे फंस गए। यूपी के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा के दौरे के लिए अफसरों को रसोई से लेकर खाना परोसने तक की जिम्मेदारी दे दी गई। ये मामला 5 मई का है, लेकिन उस आदेश की कॉपी अब वायरल हो गई है जिसमें मंत्री के शाही स्वागत का जिक्र था। कानपुर देहात के सर्किट हाउस में मंत्री जी के खाने पीने के इंतजाम के लिए 10-10 अधिकारियों कर्मचारियों की खास ड्यूटी लगाई गई थी। अधिकारियों को ऐसे काम आवंटित किए गए थे मानो वो कोई वेटर हो। सहकारिता विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर के आदेश के मुताबिक एडीओ सत्येंद्र कुमार मिश्र और सत्यम शिवम को मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा को डाइनिंग टेबल पर नाश्ता और खाना सर्व करने की जिम्मेदारी दी गई। अगर मंत्री को किसी और चीज की जरूरत पड़ी तो इन दोनों को तत्काल वो मंगवाना भी पड़ेगा। एडीसीओ सुशील कुमार सिंह और एडीओ फूलचंद को जिम्मेदारी मिली कि ये दोनों रसोई से नाश्ता और खाना लेकर मंत्री के कमरे तक पहुंचाएंगे। उधर रसोई में नाश्ता खाना लगवाकर तैयार रखने की जिम्मेदारी एडीओसी मनोज कुमार यादव और लेखाकार शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव को सौंपी गई थी। जाहिर है कि मंत्री के शाही स्वागत के इस आदेश की कॉपी सामने आई तो हंगामा बरप गया। मंत्री मुकुट बिहारी ने अपने विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई और मीडिया को एक संशोधित आदेश जारी किया गया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि यह संशोधित आदेश बैक डेट में जारी किया गया है। हमको प्रसन्नता ये है कि इस चिट्ठी और चर्चा के कारण मैं भी चर्चा में आ गया। और दूसरा ये है, वो चिट्ठी वायरल हुई है, हमने जब हमको पता लगा उस दिन ना तो हमको सर्किट हाउस जाना था, ना सर्किट हाउस हम गए, ना हमारा सर्किट हाउस का कोई कार्यक्रम था। जानकारी हुई तो उसको तुरंत कहा गया ये कैसे कर दिया तुमने, तुरंत उसमें कार्रवाई हुई। गलती से उसने छापा था, हम लोगों को पहले जानकारी हो गई तो गए भी नहीं वहां, और उस दिन पूरा उपवास रखा कि मेरे लिए ऐसा क्यों समाचार इसने क्यों ऐसा छाप दिया जबकि नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र में विधानसभा के मानसून सत्र पर मानसून ही कितना भारी पड़ा ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले राजनीतिक गलियारों की कुछ और अहम खबरें। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में एमपी नगर में एक होटल में फैमिली डिनर किया, उनके साथ पत्नी और बेटा भी था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी के महादेश लोडेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही वन महोत्सव के कार्यक्रम में पहुंचे योगी ने पौधारोपण भी किया। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की, राहुल ने बंगाल के नेताओं से चुनावी रणनीति और पार्टी संगठन पर चर्चा की। अमेरिका में सौराष्ट्र पटेल समुदाय का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, पीएम मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सम्मेलन को संबोधित किया। पूर्व प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की आज 32वीं पुण्यतिथि मनाई गई। समता स्थल पर श्रद्धांजलि देने केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार समेत कई नेता पहुंचे। मलेशिया में रह रहे विवादित मुस्लिम उपदेशक जाकिर नायक के भारत आने की संभावना खत्म हो गई है। मलेशिया के पीएम महातिर मोहम्मद ने कहा है कि जाकिर को भारत नहीं भेजा जाएगा। चलिए बात मानसून की, जो महाराष्ट्र में आफत बनकर बरस रहा है। नागपुर का तो बेहद बुरा हाल है। नागपुर में आज सुबह से भारी बारिश का जो दौर शुरू हुआ,
तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। बादल इस कदर बरसे कि पूरा शहर पानी पानी हो गया। चंद घंटों में ही बारिश ने सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी। नितिन गडकरी पर इंद्रदेव कुछ खास ही मेहरबान दिखे। एक और उनका शहर नागपुर डूब रहा था तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में संसद भवन की छत से जो पानी टपका तो वो भी सीधे उसी जगह जहां पर नितिन गडकरी बैठते हैं। संसद सत्र के दौरान गडकरी जिस कुर्सी पर विराजते हैं उसी के ऊपर पानी टपकता हुआ दिखा। नागपुर में हो रही बारिश का आलम यह था कि क्या सड़क, क्या दुकान, क्या मकान सब कुछ पानी में डूबा हुआ नजर आया। विधानसभा तक में पानी घुस आया। विधान भवन और विधान परिषद में बिजली सप्लाई करने वाले मुख्य सर्किट रूम में पानी घुस गया जिससे दोनों सदनों में बिजली सप्लाई ठप हो गई और अंधेरा छा गया। सदन की कार्यवाही तक स्थगित करनी पड़ी। नागपुर एयरपोर्ट पर हुए जलभराव से कई उड़ानें प्रभावित हुई। वहीं पुलिस थाने तक पानी में डूबे हुए नजर आए। नागपुर के 60% हिस्से में घुटनों तक का पानी भर गया। मुंबई की बारिश के डर से मानसून सत्र के लिए नागपुर को चुना गया था। इस पर भारी भरकम खर्च भी आया लेकिन नागपुर में भी बारिश ने सारी तैयारियों पर पानी ही फेर दिया। 2019 की जंग को देखते हुए नेताओं के तरकश से बयानों के तीर छूटने शुरू हो गए। हालांकि इनमें से कुछ बयान सियासी दलों के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर रहे हैं। ऐसा ही एक बयान बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने दिया है जिससे बीजेपी की पेशानी पर बल पड़ गया। मुंबई नॉर्थ से बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने ईसाई समुदाय को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया। शेट्टी ने मुंबई के मलाड में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ईसाई समुदाय को अंग्रेज बताते हुए कहा कि इनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं है। हम सबका देश है। मौलाना साहब ने बताया कि ये देश को हिंदुओं ने आजाद नहीं किया, ये देश को मुसलमानों ने आजाद नहीं किया, क्रिश्चियन लोग तो अंग्रेज थे, वो तो लड़ाई में थे ही नहीं, तो दोनों समाज के लोगों ने मर करा, लेकिन जब हमने आजादी हिंदुस्तान ही करके लड़ा था। गोपाल शेट्टी के इस बयान से सियासत में उबाल आते देर नहीं लगी। कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बोरीवली स्थित गोपाल शेट्टी के दफ्तर पर ईसाई समुदाय के लोगों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। मामला तूल पकड़ता देख बीजेपी ने खुद को गोपाल शेट्टी के बयान से अलग कर लिया। तो इतिहास की जानकारी नहीं है, वो काका बैप्टिस्ट को शायद नहीं जानते, वो मार्गे तलवा जी के जो सास और ससुर कुड़ावा के थे उन दोनों को नहीं जानते जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी की जो एंटी माइनॉरिटी एक जो मानसिकता है, जो भूमिका है, उसको प्रदर्शित करता है। मैं गोपाल शेट्टी पूरे देश के क्रिश्चियन समाज से माफी मांगे ऐसी मांग करता हूँ। इस तरीके से धर्म में बंटवारा हो, इस तरीके के ये विधान करना, स्टेटमेंट करना बिल्कुल शोभा नहीं देता है। मुझे लगता है कि श्री शेट्टी उन्होंने बहुत ही संकुचित तरीके से इसको देखा है। जम्मू कश्मीर में सत्ता से बेदखल होने के बाद महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी में घमासान छिड़ा हुआ है। हर दिन बीतने के साथ ही बागियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। बागियों की लिस्ट में ताजा नाम जावेद हसन बेग का जुड़ा है जो कि बारामूला से विधायक हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने विधायकों का सम्मान नहीं कर रही है, आने वाले लोग पीडीपी को चला रहे हैं। से पार्टी को चलाया जा रहा है और जो लोग पार्टी को चलाने के इस वक्त जिम्मेदार आपने बनाए हैं, जिनके सुपुर्द आपने पार्टी और हुकूमत की है, वो इस हुकूमत को भी और इस पार्टी को भी दफन कर देंगे। जावेद हसन बेग ने कहा कि पार्टी में घमासान की स्थिति सरकार बनने के बाद नहीं पैदा हुई है, लगभग 1.5 साल से पार्टी में असंतोष की स्थिति थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी की लीडरशिप विधायकों को तवज्जो नहीं देती है, इसी का खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। पार्टी के अंदर कोई ऐसा फोरम नहीं था जहां एमएलएज ने और कई पार्टी के अहदेदारों ने महबूबा जी को और जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है उसको इस बात से आगाह नहीं किया था कि हमारी जो डायरेक्शन है, जिस सिमत में हम जा रहे हैं, ये पार्टी को भी और हुकूमत को भी ले डूबेगी। और चूंकि हमारी बात को नजरअंदाज किया गया, इस वजह से ये पार्टी डूब गई। पहले पीडीपी के 4 और विधायक बगावत का झंडा बुलंद कर चुके हैं। इनमें आबिद हुसैन अंसारी, उनके भतीजे इमरान हुसैन अंसारी, तंगमार्ग से विधायक मोहम्मद अब्बास वानी और पट्टन से विधायक इमरान अंसारी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक पीडीपी के कुछ नेता बीजेपी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की राजनीति में सुनामी लाने के लिए तैयार हैं। पीडीपी और कांग्रेस समेत दूसरे दलों के बागी और असंतुष्ट नेता कुछ दिनों में एक साथ भी आ सकते हैं। हालांकि बीजेपी अभी खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही। क्या गवर्नमेंट होती है, क्या परिस्थितियां बनती हैं, उसके बाद ही अपनी हाई कमांड के साथ बैठ करके निर्णय लिया जा सकता है।
अभी तो मुझे लगता है शुरुआत हुई है, आगे जाकर के कुछ दिनों में कितनी क्या डेवलपमेंट होती है तो फिर मिल बैठ करके हम बात करेंगे कि उससे के बाद ही जो चर्चा के बाद ही इस प्रकार का निर्णय लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में शिवराज की फोटो पर क्यों हो रहा है सियासी फसाद, ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और अहम खबरों पर एक नजर। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा है कि चीफ जस्टिस ही मास्टर ऑफ द रोस्टर है और केस आवंटित करने का उन्हें ही चुनौती दी थी। महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में प्लास्टिक बैन लागू होने वाला है। 15 जुलाई से राज्य में पॉलिथीन के साथ साथ प्लास्टिक के कप ग्लास पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल ने हरियाणा यात्रा पर 46 लाख का खर्च कर दिया, जिस पर सवाल उठने लगे हैं। राज्य सरकार ने राजभवन से खर्च का पूरा ब्यौरा मांग लिया है। 12 जुलाई को पटना में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात से पहले जेडीयू में रणनीति बननी शुरू हो गई है। कल दिल्ली में जेडीयू की इस बाबत बैठक है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि ये दोनों पार्टियां अति पिछड़ा विरोधी रही हैं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए आतंकियों ने एक बार फिर से कायरता की हदें पार कर दी। एक महीने के अंदर दूसरे जाबाज जवान की हत्या बुजदिल आतंकियों ने कर दी। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाही जावेद अहमद डार की अगवा कर हत्या कर डाली। हत्या की जिम्मेदारी हिजबुल मुजाहिदीन ने ली। कल शाम शोपियां के कसबुरा इलाके में सिपाही जावेद को तब अगवा किया गया जब वो मेडिकल स्टोर पर दवा लेने के लिए जा रहे थे। एक कार में 3-4 हथियारबंद आतंकी आए और जावेद को रोक लिया। इसके बाद आतंकियों ने हवा में फायरिंग की और बंदूक की नोक पर जावेद को कार में बैठाकर ले गए। बाद में आतंकियों ने उन्हें मार डाला और उनका शव कुलगाम से बरामद हुआ। जैसे ही जावेद की हत्या की खबर उनके घर तक पहुंची, उनकी बुजुर्ग मां सदमे में बेसुध हो गई। परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। पूरा गांव ही इस वक्त गमगीन है। परिजनों, पड़ोसियों और गांव के लोगों में आतंकियों के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। जावेद को आखिरी विदाई देने के लिए जनाजे में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ये दिखाता है कि पाकिस्तान इस्लाम का और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। कश्मीरियों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है वो पाकिस्तान है, और जम्मू कश्मीर के अंदर अगर सबसे बड़े जालिम और दरिंदे कोई लोग हैं, आतंकवादी हैं, पत्थरबाजी बाज हैं और अलगाववादी हैं। ये जो आतंकवादी समझ रहे हैं कि इसके माध्यम से पुलिस फोर्स के अंदर खौफ पैदा करेंगे, ये उनकी गलतफहमी है। इससे तो उनकी मजबूती बढ़ेगी कि ये जो देशद्रोही है इनको ठिकाना लगाना बड़ा लाजमी है। कश्मीरी अवाम को अकल आ जानी चाहिए कि ये कश्मीरी उन्हीं के बच्चों को मार रहे हैं। और अब बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिनकी फोटो को लेकर सियासी फसाद खड़ा हो गया। राज्य में इसी साल चुनाव हैं और उससे चंद महीने पहले शिवराज सरकार ने मजदूरों को स्मार्ट कार्ड देने का फैसला किया, लेकिन स्मार्ट कार्ड में सीएम शिवराज की तस्वीर होने पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। दरअसल शिवराज सरकार ने मजदूरों के लिए संबल योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के 1,80,00,000 मजदूरों को स्मार्ट कार्ड मिलेगा। इस स्मार्ट कार्ड पर सरकारी खजाने से 18 करोड़ रूपये खर्च होंगे। खास बात यह है कि स्मार्ट कार्ड पर सीएम शिवराज की फोटो लगी होगी। सीएम की फोटो लगे स्मार्ट कार्ड का कांग्रेस ने विरोध किया है और चुनाव आयोग में शिकायत की है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकारी खर्च पर सीएम अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकारी योजना पर सरकारी खजाने से खर्च हो रहा है तो इसमें हर्जी क्या है। उस कार्ड के अंदर शिवराज जी अपना फोटो लगवा रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे पहले होता था चुनाव के टाइम पर कि पॉकेट में बिल्ला रख दिया जाता था फोटो वाला, उसी तरीके से सरकारी खर्चे पर बिल्ला लोगों की जेब में डाल रहे हैं कार्ड, जिससे कि चुनाव तक इनकी पब्लिसिटी होती रहे। हमने इसको रोकने के लिए चुनाव आयोग को एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। कांग्रेस के पास आपत्ति और आरोप के सिवा कुछ नहीं बचा, लेकिन कांग्रेस पहले अपने गिरेवान में झांके कि कौन सा शहर ऐसा है जहां उनके नेताओं के नाम पर बिल्डिंग न हो, गार्डन न हो, भवन न हो। और अगर हमने इतनी बड़ी योजना श्रमिकों के लिए बनाई है जिसमें 1,83,00,000 लोग पंजीकृत हुए हैं, अगर उस स्मार्ट कार्ड पे मेरे मुख्यमंत्री जी की फोटो होती है तो कांग्रेस को दर्द क्यों होता है। उन्नाव से अब किस कांड पर शर्मसार हुई यूपी सरकार, ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और खास खबर।
यूपी के बिजनौर में एडीएम दफ्तर में शादी का रजिस्ट्रेशन कराने आए एक दंपत्ति के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। लड़का लड़की अलग अलग धर्म के हैं। बिहार के हाजीपुर के अलीपुर हट्टा में शौचालय निर्माण का निरीक्षण करने आए अफसरों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। सड़क निर्माण न होने से ये लोग गुस्से में थे। रांची में अनाथालय की आड़ में बच्चा बेचने का मामला सामने आया है। बच्चा बेचने के आरोप में मिशनरी ऑफ चैरिटी के दो नन को गिरफ्तार किया गया। फरीदाबाद में पुलिस से बचकर भागने के दौरान एक नाइजीरियन ड्रग तस्कर मारा गया। पुलिस का कहना है कि ड्रग तस्कर के पास पिस्टल भी थी जिससे चली गोली से उसकी मौत हुई है। बिहार के बाद अब यूपी के उन्नाव से ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने देश में महिला सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े किए। उन्नाव जिले से सामने आए इस वीडियो में यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे सरकार के दावों की कलई खोलकर रख दी है। ये वीडियो साबित कर रहा है कि सूबे में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है। उनके दिल में जो आ रहा है उसे अंजाम दे रहे हैं। इस वीडियो में तीन दरिंदे एक महिला के साथ बदसलूकी करते दिखते हैं, जबकि चौथा दरिंदा वीडियो बना रहा है। ये सारे बदमाश महिला को खींचकर एक सुनसान इलाके में ले जाते दिखते हैं। उसके साथ लगातार बदसलूकी कर रहे हैं। महिला खुद को छोड़ देने की गुहार लगा रही है, लेकिन इन शैतानों पर उसकी गुहार का कोई असर होता नहीं दिखता। उस दिन क्या हुआ था आपके साथ? अरे बलात्कार हुआ था। क्या हुआ था? कहाँ पे आप? मतलब वही दफन है। चार लोग? तीन चार लोगों ने। उमर समथिंग ऐसे ही है सर। तो आप कैसे वहाँ बच के आई? लोग अभी छोड़ दिया थे। छोड़ दिया थे? आपके साथ कोई गलत काम किया था? यूपी में जंगल राज का ये वीडियो वायरल होने के बाद इंडिया न्यूज की टीम उस जंगल में पहुंची जहां ये वारदात हुई थी। इस समय इंडिया न्यूज उसी उन्नाव के जंगल में है जहां पर महिला के साथ बदसलूकी की गई। करीब पांच घंटे तक यहां पर बदसलूकी चलती रही। सबसे खास बात यह है कि ये एक ऐसा बॉर्डर का गांव है जो कि गंगा घाट और कोतवाली के बीच में पड़ता है, और ये जंगल जो रहता है, ये सड़क जो रहती है, काफी सुनसान इलाका है यहां पर। और जिन लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है उनके बारे में जब जानकारी ली गई है तो काफी दबंग किस्म के लोग ये माने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको यहां पर कहीं पर भी कोई इंसान या कोई भी नहीं दिखाई देगा। दूर दूर तक अगर देखेंगे तो घनी झाड़ियां, घना जंगल सा दिखता जाता है। यानी जैसे जैसे आप अंदर जाते हुए चले जाएंगे वैसे वैसे ही यहां पर एकदम छिपते हुए आप दिखेंगे। काफी गांव के लोग यहां पर एक साथ इकट्ठे हुए हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि किस तरह से ये पूरी घटना है, किस तरह के ये लोग हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। ये कौन, इस गांव का नाम क्या है? बाबा खेड़ा। मसवासी मजरा है। मजरा है। क्या कारण है जिस तरह से ये पूरी घटना हुई? कौन लोग हैं ये? कितनी संख्या है इनकी? और किस तरह से ये इस तरह घटना का अंजाम देते हैं उसके बावजूद पूरा गांव नहीं बोल पाता? सर, ये गांव के तो 6-7 लड़के हैं और बाहर के भी लड़के इनके साथ रहते हैं। कि इनका गिरोह करीब 15-20 आदमियों का है। एक केस नहीं था, ये कितने तो बलात्कार, कितनी चोरियां किया है। तो इनके साथ इतने दबंग किस्म का आदमी है, वो घर से उठवा नहीं सकते हैं। और ऐसा कितनी बार हुआ है तो कोई इनके सामने मुख खोलने तैयार नहीं है। पुणे से पंढरपुर के लिए जाने वाली तकरीबन 250 किलोमीटर की पवित्र पालकी यात्रा शुरू हो चुकी है। इस यात्रा का इतिहास 700 साल पुराना है और ये यात्रा हर साल होती है। 22 जुलाई तक चलने वाली पंढरपुर यात्रा का विशेष महत्व भी है। इसमें महाराष्ट्र समेत देश के कोने कोने से श्रद्धालु संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर की पालकी लेकर पंढरपुर पहुंचते हैं। लाखों की तादाद में आने वाले भक्त भूख प्यास की चिंता किए बिना विट्ठल विट्ठल रट लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। हर रोज पालकी 20 से 30 किलोमीटर का रास्ता तय करके सूरज डूबने के बाद रुकती है और फिर सुबह निकल पड़ती है। ये यात्रा करीब 250 किलोमीटर की होती है। क्या भारत में अब सट्टेबाजी वैध होगी? क्या जुआ और खेलों में सट्टेबाजी को कानूनी जामा पहनाया जाएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लॉ कमीशन ने ऐसी ही सिफारिश केंद्र सरकार से की है। कानून मंत्रालय को भेजी गई सिफारिश में लॉ कमीशन ने कहा है कि क्रिकेट समेत दूसरे खेलों में सट्टेबाजी और गैम्बलिंग को इजाजत दे दी जाए। सट्टेबाजी को रोक पाना संभव नहीं है, इसे कारगर तरीके से नियमित करना ही एकमात्र उपाय है। कानून में बदलाव कर सट्टेबाजी और गैम्बलिंग को टैक्स के दायरे में लाया जाए, इसे राजस्व भी मिलेगा। सट्टेबाजी में तमाम लेन देन कैशलेस हो और इसे पैन और आधार कार्ड से जोड़ा जाए। संसद सट्टेबाजी को नियमित और वैध करने के लिए आदर्श कानून बना सकती है। जैसे ही लॉ कमीशन की सिफारिश सामने आई सियासी बवाल शुरू हो गया। कांग्रेस ने कहा कि सरकार हर दुकान को जुए का अड्डा बनाने पर तुली हुई है, तो वहीं सरकार की तरफ से कहा गया है कि अभी ये सिफारिशें आई हैं, कोई फैसला नहीं हुआ।
इन सिफारिशों को लागू होने दिया तो इस देश में हर पान की दुकान जुए का अड्डा बनेगी और इसके परिणाम समाज के ऊपर बहुत घातक होंगे। लॉ कमीशन की लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है, लेकिन हमारे पास आएगी, सरकार उसको कंसीडर करेगी, एग्जामिन करेगी, क्या हो सकता है, लीगली परमिशेबल है या नहीं है, कैसे क्या किया जा सकता है, उसको एग्जामिन करने के बाद में सरकार निर्णय लेगी। सट्टेबाजी को लीगल करने के सवाल पर क्रिकेट जगत भी बटा हुआ है। पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने कहा कि लॉ कमीशन का अच्छा सुझाव है, सट्टेबाजी को वैध कर देना चाहिए क्योंकि सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना या फिर उसको नियंत्रित करना संभव नहीं है। वहीं एक और पूर्व क्रिकेटर और सांसद कीर्ति आजाद सट्टेबाजी को वैध करने के खुलकर खिलाफ उतरा। हमारे यहाँ अभी उस प्रकार का माहौल नहीं है कि सट्टे को लीगलाइज किया जाए, अभी वो परिस्थिति हमारे यहाँ नहीं बनी है। अब सट्टा ये एक तरीका रहेगा कि लोग, गरीब लोग या जो लोग मध्यम वर्ग के हैं या निचले वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर, अब तो उनसे अब वो सट्टे के ऊपर टैक्स मारना शुरू करोगे। देश के कई हिस्से भारी बारिश से बेहाल है और इसका असर अमरनाथ यात्रा पर भी दिख रहा है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए अमरनाथ यात्रा लगातार रोकी जा रही है। बालटाल से बाबा अमरनाथ की पैदल यात्रा चौथे दिन भी बंद रही। लगातार हो रही बारिश के चलते ट्रैक पर भूस्खलन का खतरा पैदा हो गया, जिसके बाद यात्रा को बंद कर दिया गया। हालांकि बालटाल से हेलीकॉप्टर और पहलगाम के रास्ते बाबा बर्फानी की यात्रा जारी है। अच्छी बात यह है कि यात्रा बंद होने का ज्यादा असर भक्तों पर नहीं पड़ा। भक्त अभी भी बाबा बर्फानी की भक्ति में लीन है और जिस जगह पर उन्हें रोका गया है वहीं पर बाबा के भजन गा रहे हैं। यात्रा रोके जाने के बाद सभी भक्तों को जल्द से जल्द बाबा बर्फानी के दर्शन का इंतजार। यही आए हैं, दो दिन से यहीं पर है, बहुत मजे कर रहे हैं, प्रभु के दर्शन के लिए वेट कर रहे हैं। माहौल तो भक्ति का ही है, भगवान जी की यात्रा है और भक्ति नहीं होगी करने से बढ़िया। सर हम मने लंगर में आगे सेवा करने से ज्यादा अच्छा लगता है और जो सुकून हमें मिलता है वो हम ही जानते हैं। तीन दिन से स्टे कर रखा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लोग हैं और बड़ा ही आनंद आ रहा है। चलिए बात करते हैं दिल्ली के उसी बुराड़ी कांड की, जिसमें 11 लोगों की मौत के मामले में आज कुछ और नई बातें सामने आई और खुलासे हुए। आज इस मामले में एक महिला तांत्रिक का कनेक्शन सामने आया है। ये वही महिला है जिसके पिता कंवरपाल ने भाटिया परिवार का घर बनाया था। पुलिस की क्राइम ब्रांच आज इस महिला को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। इंडिया न्यूज ने पुलिस की पूछताछ से पहले इस महिला तांत्रिक से बात की। हम आपको इस महिला की बात सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि क्राइम ब्रांच आज बुराड़ी के उस घर में एक बार फिर पहुंची और पूरे घर की मैपिंग की, नाप जोख की और ये अंदाजा लगाने की कोशिश की कि घटना वाले दिन क्या कुछ हुआ होगा। इसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम घर से वो स्टूल भी जब्त करके ले गई जिसका इस्तेमाल फांसी के लिए किया गया था। अब आप उस महिला तांत्रिक को सुनिए जो इस केस में नई किरदार के तौर पर उभरी। ललित और उसके परिवार के 11 सदस्यों की सामूहिक खुदकुशी के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। कंवरपाल वो व्यक्ति है जिसने ललित का मकान बनाया था और ललित का मकान भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है क्योंकि ललित के मकान में 11 पाइप संदिग्ध स्थिति को बयां कर रहे हैं। हमारे साथ एक और कैरेक्टर जुड़ा है इस पूरे मामले में, गीता। आखिर गीता कौन है? गीता कंवरपाल की बेटी है, वही कंवरपाल जिसने ललित का मकान बनाया था। और खबर ये भी आई है कि ललित इनसे मिलने के लिए यहां पर आया था क्योंकि गीता बहुत पूजा पाठ करती हैं, इनसे बात करेंगे। गीता ये बताएं सबसे पहले कि आप क्या करते हैं? मैं पूजा करती हूँ, मंदिर बना रखा मैंने, तो मंदिर बना रखा तो पूजा तो सभी लोग करते हैं। हाँ। जी मैं पूजा पाठ करती हूँ, ऐसा मेरा ना कोई तांत्रिक या कोई ऐसा मेरा हिसाब किताब नहीं है भैया। हाँ। मैं कीर्तन भजन करती हूँ और बस ये देख लो आप, वैष्णवी का मंदिर है, मैं खुद भी वैष्णवी हूँ। हाँ। मेरा कोई ऐसा लेना देना नहीं, ना मैं उन लोगों को जानती थी। हाँ। ना मैं कभी मैंने उनको देखा। लेकिन ललित के पश्चात, ललित से मिलने के लिए आप अपने पिता के साथ उनके घर पे दो बारी गए, जब आपकी मुलाकात नहीं हुई? मैं बिल्कुल नहीं गई। हाँ। ना मैं गई और ना मेरे पास आए और मैंने उनकी कभी शक्ल भी नहीं देखी। केवल अपनी शिष्या के रेप केस में फंसे शनिधाम के संस्थापक दाती मदन महाराज की मुश्किलें बढ़ती जा रही। इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट ने अब तक दाती की गिरफ्तारी नहीं होने पर दिल्ली पुलिस को तगड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका, इसके बावजूद अभी तक दाती की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस जिस तरह पूरे मामले की जांच कर रही है उससे तो लगता है कि अगले 3 दशक में भी यही ये जांच पूरी नहीं की जा सकती।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्षमताओं पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यदि वो इस मामले की जांच नहीं कर सकती तो क्या इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। कोर्ट ने ये बातें इस मामले में दाखिल की गई एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही, जिसमें दाती की गिरफ्तारी न होने पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया गया था कि दाती के आश्रम में कई राजनेता और सरकारी अधिकारी जाते हैं, ऐसे में ये लोग मामले की जांच को प्रभावित कर सकते हैं। हाईकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई को करेगा। साध्वियों से रेप के मामले में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को अब टॉप के वकील का सहारा मिल गया है। खबर है कि वरिष्ठ वकील और एनसीपी नेता माजिद मेमन राम रहीम का केस लड़ेंगे। रोहतक की सुनारिया जेल में कैद राम रहीम से माजिद मेमन ने मुलाकात की। दोनों के बीच में करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। खबर है कि राम रहीम ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर भी कर दिया है। माजिद मेमन मुंबई बम ब्लास्ट केस में बचाव पक्ष की पैरवी कर चर्चा में आए थे। हिंदुस्तान के लिए गर्व करने वाली एक खबर आई है। इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में नई मिसाल कायम की है। कुछ ही सालों में स्पेस टूरिज्म शुरू होगा। जाहिर है अंतरिक्ष में भीड़ बढ़ेगी तो दुर्घटनाएं होंगी। इन हादसों से यात्रियों की जान बचाने की पहल इसरो ने कर दी है। इसरो ने एक ऐसी कैप्सूल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जिससे अंतरिक्ष यात्रियों की जान बच सकेगी। ये कैप्सूल अंतरिक्ष यात्री अपने साथ स्पेस में ले जाएंगे। इसरो के चेयरमैन के सिवान के मुताबिक ये कैप्सूल ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखेगा, दबाव को कंट्रोल करेगा और इमरजेंसी होने पर समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग भी कराएगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 7 बजे 12.6 टन की क्षमता वाले कैप्सूल के मॉडल ने उड़ान भरी और 259 सेकंड के टेस्ट के बाद कामयाबी के साथ लैंड हुआ। इसरो की वजह से स्पेस में जाने वाले वैज्ञानिकों और भविष्य में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी और सुरक्षित हो गई है। आपको डब्बू अंकल का ऋतिक रोशन अवतार भी दिखाएंगे, लेकिन अभी जल्दी से देख लेते हैं दुनिया के बाकी देशों का हाल। अमेरिका और चीन में ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। अमेरिका ने आज $34 अरब के चीनी आयात पर 25% का नया टैरिफ लगाते हुए उसे बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद चीन ने भी अमेरिका से आयात होने वाले $34 अरब के 545 सामानों पर टैरिफ लगा दिया। पाकिस्तान में 25 जुलाई को होने जा रहे आम चुनावों के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। पाकिस्तानी चुनाव आयोग की ओर से जारी इस सूची के मुताबिक 845 राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली सीटों पर होने जा रहे चुनाव में 11,855 उम्मीदवार भाग्य आजमाएंगे। इराक के मौसूल में ध्वस्त इमारतों के मलबे से 5,200 से ज्यादा शव मिले हैं। इनमें से 2,658 नागरिकों के शव हैं, जबकि 2,570 आईसिस आतंकियों के। कहा यह जा रहा है कि मलबे में अभी भी 500 से 700 शव दबे हुए हैं। इन शवों को मलबे में दबे 10 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है।